सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं आलोक रंजन, स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल हाई नॉलेज में। और आज मैं आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हुआ हूं एक नया वीडियो के साथ, जो कि लाया गया है आप ही के डिमांड पर। आप लोगों ने ही डिमांड की थी कि भाई मुझे म्यूकर माइक्रोसिस के बारे में जानना है। जो म्यूकर माइक्रोसिस है क्या, उसका सिम्टम्स क्या है, उसका इलाज क्या है, और म्यूकर माइक्रोसिस का रिलेशन बायोनिक आई के साथ क्या है। तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बता देंगे कि म्यूकर माइक्रोसिस क्या होता है, उसका इलाज क्या है, उसका सिम्टम्स क्या है, उसका क्या रिलेशन है बायोनिक आई के साथ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो म्यूकर माइक्रोसिस है वो एक डिजीज है, और ये जो म्यूकर माइक्रोसिस डिजीज है वो बॉडी के किसी भी पार्ट्स में हो सकता है। यानी कि आपके आँख में हो सकता है, आपके नाक में, कान में, कहीं भी इन्फेक्ट कर सकता है आपको। तो देखिए, एक ही वीडियो में यदि हम सारे पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। एकदम दो घंटे तीन घंटे की वीडियो बन जाएगी, या फिर आप लोग तो देखोगे ही नहीं वो वीडियो, तो बना के कोई फायदा ही नहीं था। इसीलिए आज हम बात करेंगे सिर्फ आँख के बारे में, यानी कि जो म्यूकर माइक्रोसिस आँख में होती है उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर म्यूकर माइक्रोसिस आँख में कैसे इफेक्ट करती है, और उसका सिम्टम क्या है, और कैसे हमें पता चलेगा कि हम म्यूकर माइक्रोसिस से इन्फेक्टेड है या फिर हमारा आई म्यूकर माइक्रोसिस से इन्फेक्टेड है। तो इस वीडियो में आपको हम बहुत ही कम शब्दों के यूज करते हुए सब कुछ आपको क्लियर कर देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन इट। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि म्यूकर माइक्रोसिस क्या है। तो अभी तक यदि आप वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि म्यूकर माइक्रोसिस एक डिजीज है। तो चलिए जानते हैं कि म्यूकर माइक्रोसिस जो डिजीज है वो कैसे होता है। तो देखिए, अभी तक आपने सुना होगा वायरल इन्फेक्शन के बारे में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में, फंगल इन्फेक्शन के बारे में। तो देखिए, ये जो म्यूकर माइक्रोसिस है ये भी एक फंगल इन्फेक्शन ही है। यानी कि ये जो म्यूकर माइक्रोसिस है ये भी फंगस के कारण ये होता है। तो ये फंगस का एक टाइप होता है, ब्लैक फंगस। तो म्यूकर माइक्रोसिस ब्लैक फंगस के कारण होता है। तो आप जानते हैं कि ये किन लोगों को हो सकता है। तो देखिए, ये म्यूकर माइक्रोसिस उन लोगों को हो सकता है जिनका ड्रग डोज हायर हो, यानी कि जो दवाई उवाई ज़्यादा खाते हों। आपने देखा होगा डायबिटीज़ के पेशेंट्स, उनको जल्दी हो जाता है, उनका ड्रग डोज हायर होता है इसके वजह से। और रिसेंटली अभी अभी जो कोरोना वायरस का पीरियड बहुत खतरनाक गया है, तो आपने कोरोना वायरस के टाइम में देखा होगा कि जब लोग ठीक होकर के घर जा रहे थे कोरोना के पेशेंट्स, तो उनको भी ब्लैक फंगस इफेक्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो चुकी थी पूरी तरीके से वायरल इन्फेक्शन की वजह से, और ब्लैक फंगस आसानी से उसको इफेक्ट भी कर पा रहा था और आसानी से उनके बॉडी में घुस जा रहा था और उनको बीमार कर पा रहा था। देखिए, अब ये तो समझ गए हम कि ब्लैक फंगस के कारण ये होता है, म्यूकर माइक्रोसिस डिजीज है। तो अब जानते हैं कि इसका सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है। और आपको पहले ही बता दिया कि हम सिर्फ आज आँख के ही बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आँख में किस तरीके से क्या सिम्टम्स होंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपकी आँखों में इरिटेशन हो सकता है, यानी कि खुजली हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, तो आपकी आँख लाल हो सकती है, आपके आँखों से पानी टपक सकता है, और जब बहुत ज़्यादा देर तक आप किसी की तरफ देख नहीं पाएंगे, मतलब इरिटेशन सब होगा, आपके आँख में लाल हो जाएंगी, पानी टपकेंगे। तो इस तरीके से आपको होता है तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपके आँखों में इरिटेशन हो रहा है इसका मतलब आप म्यूकर माइक्रोसिस से इन्फेक्टेड हैं। अरे भाई, और भी कुछ हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताया कि यही सब सिम्टम्स होती हैं म्यूकर माइक्रोसिस के भी। तो जब भी आपके आँखों में यदि ऐसा प्रॉब्लम आती है तो आप डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए, चाहे म्यूकर माइक्रोसिस हो या कोई और डिजीज हो या कुछ भी हो, तो डॉक्टर से मिलना तो बहुत ही जरूरी होता है ना। तो आप एक बार मिल लीजिएगा ताकि आप बहुत सारे डिजीज से आप मतलब सुरक्षित रह पाएंगे, रख पाएंगे अपने आप को। तो यही है सिम्टम्स म्यूकर माइक्रोसिस का। अब जानते हैं कि म्यूकर माइक्रोसिस का इलाज क्या है। देखिए, म्यूकर माइक्रोसिस का इलाज उपलब्ध है इंडिया में भी, बिहार में भी, यूपी में भी, पंजाब, हरियाणा, जहां आपको जाना हो हर जगह पे यहां म्यूकर माइक्रोसिस का इलाज उपलब्ध है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आप सही समय पे इलाज करवाएं, क्योंकि यदि आप लेट हो जाते हैं तो आप मतलब सही तरीके से इलाज नहीं हो पाएगी आपकी, और लेट होने से आपका आँख पूरी तरीके से ख़राब हो सकता है, यानी कि आपकी आँख डिजॉल्व हो सकती है। डिजॉल्व होने का मतलब है आपकी आँख सड़ सकती है यदि लेट हो जाए तो। आपकी आँख का जो आईबॉल है वो आईबॉल ही पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगी, पूरी तरीके से सड़ जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो हमेशा जब भी आपको इरिटेशन हो या और भी कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें।
तो अब हम जानते हैं अपने आखिरी सवाल का जवाब, जो कि सवाल था कि क्या इसमें जब आपका आंख बिल्कुल डिजॉल्व हो जाए तो इसमें बायोनिक आई का यूज किया जा सकता है या नहीं। तो देखिए, बायोनिक आई का यूज हम कब करते हैं, जब हमारे पास आंख ना हो, यानी कि हम अंधे हो जाएं या किसी भी प्रॉब्लम से हमारे आंख डिजॉल्व हो जाए। तो म्यूकर माइकोसिस में भी हमारा आंख डिजॉल्व हो रहा था, लेकिन इसमें एक बात का खासा ध्यान रखना है कि म्यूकर माइकोसिस में अगर आपको आंख में इन्फेक्टेड है, म्यूकर माइकोसिस से आप इन्फेक्टेड हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि क्या आपकी जो आंख डिजॉल्व हुई है तो क्या सिर्फ आंख डिजॉल्व हुई है या फिर आपकी ऑप्टिक नर्व भी डिजॉल्व हुई है। यदि आप ज़्यादा लेट हो जाते हैं और आपके आंख के साथ आपका ऑप्टिक नर्व भी डिजॉल्व हो जाती है तो आप बायोनिक आई का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्टिक नर्व ट्रांसप्लांट नहीं होता है और आपको बायोनिक आई यूज करने के लिए आपके पास ऑप्टिक नर्व होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना ऑप्टिक नर्व के आप बायोनिक आई का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्टिक नर्व ही वो ऐसा नर्व है जो कि हमारे आंख से ब्रेन में कनेक्टेड होती है और हम क्या देखते हैं वो ब्रेन के पास वही पहुंचाता है। तो ऑप्टिक नर्व का होना बहुत ही ज़रूरी है, विदाउट ऑप्टिक नर्व आप बायोनिक आई का भी यूज नहीं कर सकते। तो आपका क्वेश्चन होगा, क्या हमारा ऑप्टिक नर्व जब डिजॉल्व हो गया तब क्या होगा? तो ऑप्टिक नर्व यदि आपका डिजॉल्व हो गया है, इसका मतलब आप अंधे हो गए हैं और आपका अंधापन ठीक नहीं होगा, क्योंकि बिना ऑप्टिक नर्व कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा सजेशन यही है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो डॉक्टर से सलाह जरूर लें, अपना दिमाग ज्यादा ना लगाएं, मींस लेट ना हो। आई होप मैंने जो कुछ भी बताया आपको समझ में आया होगा, और कोई भी डॉट यदि अभी भी रहता है आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ले लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसी तरीके का नया वीडियो देखते रहना है आपको हमेशा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।